उपखंड मुख्यालय पर आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान कुली समाज के लोगों द्वारा कई वर्षों से सामुदायिक भवन की मांग को लेकर जनसुनवाई में पट्टी पर बात बिगड़ गई। जनसुनवाई के दौरान सरपंच घनश्याम खटीक ने सामुदायिक भवन के मापदंडों का हवाला देते हुए सामुदायिक भवन का पट्टा जारी नहीं हो सकता की बात पर कुली समाज के लोगों ने जनसुनवाई में मंत्री को सीधी चेतावनी दे डाली। कुली समाज का अल्टीमेटम सुन मंत्री हतप्रभ रह गए और मामले को गंभीरता से लेते हुए सरपंच घनश्याम खटीक को यथास्थिति जगह का पट्टा जारी करने के निर्देश दिए, तब जाकर मामला शांत हुआ। अब ये दोनों मोहल्ले रैगर मोहल्ले और अपना बड़ा मोहल्ले दोनों की ये पट्टे के लिए बोल रहे हैं। नहीं, सामुदायिक भवन के लिए इनकी मांग पहले से चल रही है। साहब ने कह रखा है कि भाई ये बजट भी दे देंगे, लेकिन अब कई बार हम मोहल्ले वासियों से भी मैं निवेदन कर चुका हूं, आप भी इस समस्या को बार बार रखते हैं। समस्या का समाधान मैंने आपको बता रखा है, सभी मोहल्ले वासियों को जिस जगह पे आप चाहते हो वहां कोटी है, जोरावर बाबा का स्थान है और वो जगह पर्याप्त वहां नहीं मिलेगी। 450 वर्ग जमीन चाहिए। पहले हमारी पंचायत के भवन के पास जो कोली मोहल्ला है, साहब ने वहां के लिए 5 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, लेकिन पिछले ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा जो पट्टा जारी किया गया था वो एरिया पर्याप्त नहीं है। सामुदायिक भवन के लिए पर्याप्त एरिया नहीं होने के कारण वो रुपए 5 लाख रुपए जो साहब ने दिए थे अपने कोटे से, उनसे वो काम नहीं हो सका। टेक्निक प्रॉब्लम होने के कारण वो लैब से वो हम उस काम को नहीं करवा सकते। सरकारी नियम होते हैं, उसके अनुसार काम होता है। इसी प्रकार की समस्या इस मोहल्ले में, उस जगह जहां आप कहते हैं वही समस्या वहां है। वहां पट्टा जारी करने की लिए जगह पर्याप्त है नहीं। जहां पे जगह पर्याप्त है, 1 बीघा जमीन है आपके मोहल्ले से अटैच है। 1 बीघा जमीन का जो ग्राम पंचायत के नाम है, हमने तहसीलदार को लेटर लिख रखा है भाई, एक तो सामुदायिक भवन 10 बीसवा जमीन सामुदायिक भवन के लिए और 10 बीसवा या 12 बीसवा जो भी बस्ती है वहां, तो सार्वजनिक उद्यान के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके मोहल्ले से वो अटैच है। वहां पे अभी गंदगी फैलती है, गंदा पानी भरता है, तो सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और आपके लिए जो वो एक मुद्दा भूमि है, उसकी 4 दीवारी होती है, वहां रास्ते बन के सामुदायिक भवन बन के पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। आपको वहां की अधिकता आप ये कहे ना भाई, किसी का अगर वहां पक्का निर्माण है तो हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं तो वहां जगह है ना, फिर इसका तो कोई अनाज है ही नहीं।